हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, केम छो आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हूँ सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। और इस वक्त अभी मैं बैठा हूँ घर में, अभी सारी तैयारियाँ चल रही हैं, एक तरफ स्कूल का, एक तरफ दूसरे स्कूल का, एक तरफ प्लानिंग का, एक तरफ इसके बर्थडे का, तो सब तरफ कुछ ना कुछ चल ही रहा है। छोटू भैया बहुत लेट उठते हो, 8-8 बजे हैं, स्कूल भी जाना है अभी। अरे क्या आया है, आया इस बार 7 बजे 8 बजे। तो गाइस अभी सुबह सुबह चाय वाय का टाइम हो चुका है, सो नहीं पा रहा है, रात भर इतना भयंकर गर्मी है, सुबह लाइट आया तो करिए, अब हमको नींद आता भले रात भर हम जगे रहते। मेला से लाइन कटा हुआ है, मेला का वैसा लाइट कटा हुआ है, सिवान का स्थिति ऐसा ही होता है, ऊपर ऊपर वायरिंग, आज फिर कट जाएगा लाइट, एक ही बार कटता है तो 12-12 घंटा 15-15 घंटा कट जाता है। खुश रहे तू सदा, कह रही है कि हम अपना बर्थडे गिफ्ट पापा से मांगेंगे। 10 तारीख को बर्थडे है, मेरा भी तो आ रहा है। चश्मा देगा नहीं, चश्मा नहीं चुपका देता है। मम्मी क्या बनेगा, क्या खाएंगे हम? तो कुछ भी खा लेते भाई, मेरा नाटक नहीं जाता। अच्छा नाश्ता अभी देखा जाएगा क्या करना है नहीं करना है, देखते हैं भाग क्या जो मिलेगा रूखा सूखा खा लेंगे। तो अभी पूजा पाठ भी करके मनीषा जा चुकी है, मंदिर यहाँ पर है। अब मंदिर का डिज़ाइन ना चेंज हो गया, घर में पहले मंदिर का रास्ता उधर से था। पूजा भी की है कि अभी करेगी? अभी करेगी। और जेरी भी आ चुका है, जेरी का बेल्ट अभी खुल जाएगा, मस्त इसका भी ग्रूमिंग किया जाएगा। तो ग्रूमिंग करने के लिए आप लोगों से कुछ बातें करेंगे, ठीक है? जेरी जो बुलाएगा उसके पास आएगा। जेरी आओ आओ, आज तुम्हारा बढ़िया सा मसाज होगा और सब कुछ आज किया जाएगा। तो गाइज आज मैं आप लोगों से ना बहुत ही शानदार चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अब क्या होता है ना कि जैसा कि आपको पता है कि बारिश का सीज़न चल रहा है, तो बारिश का सीज़न हो तो उसमें ना बाल वगैरह जो होते हैं हमारे, खास करके पेट्स के, जैसे जेरी वगैरह है, तो उसके बाल बहुत झड़ते हैं। तो जब बाल झड़ते हैं तो क्या होता है कि अगर हम लोग नॉर्मल कोम से भी कोम करें ना, तो कोम करने के बाद जो बाल होते हैं वो सब चारों तरफ घर में इधर उधर फैलने लग जाते हैं। यहाँ देख सकते हो जेरी का ही एक बाल आया हुआ है, यहाँ आया हुआ है। तो ये जेरी का जो बाल है ना, जेरी अगर थोड़ा भी इधर उधर चिपक भी जाता है या नीचे पकता है, तो उसका बाल उड़ उड़ करके ना घर में इधर उधर पड़ने लग जाता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम का छुटकारा पाने के लिए ना हमने सोचा कि क्यों ना जेरी के लिए भी कुछ ऐसा ग्रूमिंग किट मंगाया जाए, जिसकी वजह से हमारे जेरी भी हमारा मस्त स्मार्ट सा दिखे और उसके बाल भी जो है ना वो चारों तरफ फैले ना। तो इसलिए हमने मंगाया हुआ अगारो का ये शानदार सुप्रीम मॉडल पेट ग्रूमिंग किट एंड वैक्यूम, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसके साथ सबसे अच्छी बात बताऊँ, इसके अगर अनबॉक्सिंग आप करोगे ना, तो इसमें सबसे पहला जो मुझे कार्ड दिखा वो अगारो का ये डेमो कार्ड दिखा। अगर आपको घर बुलवा करके डेमो एक्सपर्ट से हेल्प लेना है तो उसके लिए आपको मिल जाएगा। साथ में एक वारंटी कार्ड मिला, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। और यहाँ पर आपको मैनुअल मिला हुआ है जिसमें आपको सारी डिटेल दी गई है। अब इसके अंदर क्या क्या है, चलिए इसको सारा कुछ निकाल कर दिखाते हैं। तो गाइस अभी हेयर शेडिंग को रोकने के लिए अगारो की तरफ से हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें है एक वैक्यूम सेक्शन और ये सारे अलग अलग अटैचमेंट हैं, सारे अलग अलग अटैचमेंट हैं। अब जैसे कि ये वाला आप ब्रश देखो, अब आपको ये लग रहा होगा ब्रश नहीं है, लेकिन अगर आप ये बटन को ऊपर कर दोगे तो इसके सारे टिथ बाहर आ जाएंगे। तो इससे आप सारा कुछ मतलब उसको कोम वगैरह करो, जो भी बाल वाल फंसे होंगे ये फिर वैक्यूम सेक्शन से जो मशीन है वो सक कर लेगा। इसके साथ साथ क्या क्या अटैचमेंट आ रहा है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक तो ये वाला आ रहा है, जैसे आप यूज़ कर लो ना इसको वापस से बंद कर दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये वाला है, ये भी आपका जो बेड पे अगर मान लो कहीं गिर गया, सोफे पे अगर जेरी बैठ रहा है या कहीं भी आपका पेट बैठ रहा है तो वहाँ बाल वाल हो जाता है ना, तो ये आराम से आपका वहाँ पे क्लियर हो जाता है। फिर से आपके पास ये वाला एक कोम्ब दिया हुआ है, बहुत ही अलग सा स्टाइलिश, जो सक करने के लिए वैक्यूम क्लीनिंग के लिए। फिर ये वाला दिया हुआ है आपके पास, जो आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से आपका प्रॉपरली ट्रिम कर सकता है, मतलब ट्रिम तो नहीं मतलब कोम्ब कर सकता है बहुत बारीक तरीके से। और ये ट्रिमर है छोटा सा, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो।
और साथ में एक ये भी दिया हुआ है जिसके जो टीथ है ना ये रबड़ के हैं। तो ये इतने सारे अटैचमेंट के साथ आता है और साथ में है एक पावरफुल वैक्यूम सक्शन जिसका 10 kPa का प्रेशर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन करता है। और इसके बाद से इसको अगर आपको निकालना है ना तो इसको आप ऐसे बटन दबा करके इसको यहाँ से आप इसमें दो जाली भी लगा हुआ है, आप फिल्टर देख सकते हो, एक फिल्टर यहाँ लगा, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, एक फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको निकाल के आप चाहे वॉश कर लो ठीक है, और फिर क्लीन करके यहाँ पर आप इसको लगा लो, और एक नीचे भी लगा हुआ है आप इसको भी चाहे क्लीन करके वापस इसको लगा लो। बहुत ही शानदार है। अब आप लोगों को मैं इसका यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है बहुत बढ़िया तरीके से। और गाइस यहाँ पर जब मैंने इसको ओपन किया ना तो इसके अंदर ये जो ट्रिमर है, देखो हमारे तो ट्रिमर होते हैं लेकिन इनके जो बाल होते हैं थोड़े बड़े बड़े रखने होते हैं, इसीलिए इनके बाल आपको जिस साइज़ के अकॉर्डिंग चाहिए उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर ट्रिमर का ब्लेड भी मतलब वो दिया हुआ है साइड एडजस्ट करने के लिए। टोटल आपको दिया हुआ है 3 mm से लेकर के 24 mm। भाई साहब क्या रेंज है यार, 3 mm से लेकर 24 mm तक का आपको रेंज दिया हुआ है। आपको जिस रेंज में आपको बाल रखना है, बहुत छोटा रखना है, बहुत बड़ा रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो ठीक है। तो अभी चलो फटाफट इसको यूज़ करके आप लोगों को दिखाते हैं और कितना शानदार है यार, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि जेरी का बाल ना वाकई में बहुत चारों तरफ फैला रहता था। ये एक बैग भी दिया हुआ है जिसमें आप इन सारी चीज़ को कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी देखो जेरी आया ना, अभी इधर एक बार पास में ले आओ, ये देखिए क्या किया, थोड़ी देर में चिपक के इतना सारा बाल इसका झड़ गया। तो अब जेरी का मैं धुनाई करने चल रहा हूँ। जो है सक्शन मशीन के अंदर मैं इस बटन को दबा के लगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, देखना ये कॉर्ड ऐसे है तो इसको इस तरीके से आपने इंसर्ट करना है ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये इंसर्ट हो गया। अब इसमें बारी है पावर कॉर्ड लगाने की, तो पावर कॉर्ड लगाने के लिए मैं पहले इसको कनेक्ट कर, आप देख सकते हो कि मैंने इसको पावर से कनेक्ट कर दिया। जैसे पावर से कनेक्ट किया हुआ ना तो यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हो, अगर मैं इसको ऑन करूँगा पहले आवाज़ आ रही है, इसके बाद से यहाँ स्पीड 1, 2, 3 ये मैक्सिमम है। चल जी, चल, नो डर रहा है जी तुम, चल हट, गुदगुदी हो रहा है इसको, नो जेरी नो नो, बपरे इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा बाल है। तो गाइस जैसे ही आप देख, इसमें जितने बाल थे मैंने जैसे इसको टीथ को बंद किया, आप देखो सारे बाल इधर आ गए अंदर। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ताकि आप देख सको, देख रहे हो ये सारे बाल जो थे वो इधर आ गए और यहाँ से पूरा एकदम क्लीनिंग हो चुका है। अब दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे अटैचमेंट की बात करूँ मैं, अभी आपको ना सारे अटैचमेंट की एक एक करके फीचर्स बताऊँगा। अब देखो भैया ये अटैचमेंट जो है ना, अगर मान लो बेड पे या फिर कहीं सोफे पे या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जेरी बैठ रहा है और वहाँ पे बहुत सारे बाल आ जा रहे हैं, फिलहाल मेरे गोद में बैठा हुआ था तो आप देख सकते हो मेरे गोद में ही कितना सारा बाल हो गया। ओ भाई देख रहे हो गाइस, तो इसके लिए ये वाला हथियार हमारा काम करेगा। देखो दिन सफाया, अभी मैं इसको पूरा अच्छे से साफ कर लेता हूँ। पहले तो इसमें तार लपेटने के लिए भी, ये कॉर्ड को आप चाहें तो इसमें लपेट करके इकट्ठा रख सकते हैं, बंद हो जा भाई। तो अभी इसमें सबसे स्मार्ट चीज़ क्या पता लगा ना कि इसके अंदर ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। क्या होता है कि जब आप ऐसे कर रहे हो ना तो सारे बाल इधर चिपक रहे हैं, तो फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये बाल पीछे गए, तो पीछे से ये वैक्यूम से सक हो गए। अब आप इधर से यूज़ कीजिए ऐसे, फिर जब इधर बाल पूरे चिपक जाएं फिर आप इसको ऐसे कीजिए। तो इस तरीके से हम इसको मतलब कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। अब सोफे पे भी बैठा था जेरी तो यहाँ पे बाल तो दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे बाल आपको जो भी दिख रहे थे, आप देखो कितना लेवल तक मतलब ये सारा ही क्लीन हो गया। अभी मैं और थोड़ा टाइम लूँगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो एक मिनट में आप इतना अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। अब मैं इसको, अब देखो ये ब्रश पीछे तो मैं आगे की तरफ इसको ले जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए कंप्यूटर महाशय शुरू हो जाइए। इस तरीके से आप सोफा बेड सब जगह इसको साफ कर सकते हो। तो दो हो गया, तीसरा है मसाजर। जेरी आ जा, रुक इधर लो, इधर दिखाओ। तो यहाँ पर ये है मसाजर, आराम से आप इसमें इसको मसाज दे सकते हो। अब इसको आप इसमें अटैच भी कर सकते हो।
जेडी तुमको मसाज मिलेगा जेडी, इसमें भी ना सब में आप कनेक्ट कर सकते हो। जेडी जेडी देख के डर गया, उसको लगा कि पता नहीं क्या है। जेडी नो 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 तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये छोटा वाला दिया हुआ है कोम जैसा, इसको भी आप कहीं बारीकी जगह पे जहाँ पे आप यूज करना चाहते हो इसको यूज कर सकते हो। उसी तरीके से ये ट्रिमिंग हेड दिया हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हो। और ये ब्रश भी दिया हुआ है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई फिर भी डाउट होता है तो आप उनके एक्सपर्ट को भी बात कर सकते हो, बुला सकते हो, एक बार डेमो ले सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मैनुअल को रेफर कर सकते हो। तो मेन मुद्दा है कि अब ये जो बाल है इसको कैसे क्लीन कर रहे हो। तो इसको निकालने के बाद ना ये वाले कॉर्ड को ऐसे ऊपर उठाओ, ठीक है, लॉक को, और ये स्पंज को निकालो बाहर, और नीचे वाले स्पंज को बाहर निकाल करके इन दोनों स्पंज को आप क्लीन कर सकते हो। कहीं इधर उधर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा ये कमाल का प्रोडक्ट आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, और इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिनके घर में पेट है ना, आप अपनी केयर के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो, फाउंडेशन से लेकर के मस्करा से लेकर के, जो फीमेल्स होती हैं पता नहीं क्या क्या यूज़ करती हैं, जो जेंट्स होते हैं वो भी, हम लोग भी कभी जेल कभी डिओड्रेंट कभी कुछ हम लोग लगातार यूज़ करते हैं। लेकिन ये हम अपने पेट के लिए एक बार केयर करने के लिए ज़रूर अपने घर में मंगा सकते हैं, बहुत रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर भी है, लेकिन आप अपने पेट के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तो अगर आपके घर में पेट है तो आप इस प्रोडक्ट को मंगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच गाइस। तो सब लोग अपने अपने काम में लग चुका है, मनीषा भी अपने काम में लगी हुई है, मम्मी भी गई एकदम, पापा भी ऑफिस चले गए, मैं भी अपना ऑफिस के लिए निकलूँगा, छोटू भी निकलेगा अभी अपने स्कूल के लिए। बाकी इधर यहाँ पर आप देख सकते हो अंधेर मगरिब में चाय नहीं, नाश्ता क्या बन रहा नाश्ते में? अभी तो सब्जी काटेंगे कुंदरी का और रोटी नाश्ता बनाएंगे। कुनारी खाएगो? कुनारी अच्छा, नारी का सब्जी खाएंगे। चावल लंच में बना देंगे, घी में गए हलवा बनाने जा रही है, हलवा बना दिए हैं, पूरी बना दिए हैं, हलवा है पूरी है। चलो गाइस, तो इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मनीषा की दुनिया का समापन यहीं पे होता है। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।